जय हिंद बच्चों, ये वीडियो कक्षा क्लास 8 के लिए है। जीके की वीडियो है। इसमें आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है अमेजिंग एनिमल्स। पहले हमने यूनिक ट्रीज वाला पढ़ा था, प्लांट्स वाला। आज हम पढ़ेंगे अमेजिंग एनिमल्स। लुक एट द पिक्चर्स, अनस्क्रैबल द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग अमेजिंग एनिमल्स। उन्होंने कुछ यहाँ पे स्पेलिंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो स्क्रैबल में दिया हो, तो अब इसको आपको अनस्क्रैबल कर आपको ठीक नाम जो है वो बताना है कि क्या है। तो अब फर्स्ट पढ़ेंगे हम, दे लुक लाइक अ स्क्विरल बट दे आर सिमिलर एंड हैव लाइट एंड डार्क स्ट्राइप्स अलोंग देयर चीक्स एंड बैक्स। इसको क्या बोलते हैं, चिपमंक्स, CHIPMUNKS, चिपमंक्स। This is one of the smaller species whales. Their distinguishing white color and prominent foreheads make them different from other whales. एक वाइट कलर की वेल होती है जो मतलब अपने माथे से मेनली फ्रंट से पहचानी जाती है कि कुछ डिफरेंट है। तो इसका क्या नाम है, उन्होंने जो क्लू दिया है उसमें देखो, अनस्क्रबल को स्क्रबल करके देखते हैं, बैलूगा, BELUGA, बैलूगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ स्मॉल वाटर शॉर बर्ड। इट हैज़ पेल ब्राउन विंग्स, अ टेल, अ हेड एंड वाइट अंडर पार्ट्स। इट हैज़ स्मॉल ब्लैक बिल। ऐसे वाइट कलर का होगा एक तरह से, मतलब उसका नाम बताना है आपको क्या बनेगा, तो स्नोई प्लोवर, SNOWY, स्नोई प्लोवर, PLOVER। It is a fish having a toothed beak that resembles a parrot. It can change its color and even gender rapidly. It sleeps in a cocoon formed by its own mouth. तो इसका नाम क्या है, parrot fish, PARROT, parrot, FISH, fish. Next, It is hair, यानी कि खरगोश, born with fur. It is larger than rabbits. It is found in the deserts in the western United States. It eats big amount of grass and plants. तो इस वाले रैबिट को हम क्या बोलते हैं, जैक रैबिट, JACK, जैक, RABBIT, रैबिट। तो ये था हमारा पेज नंबर 19, चैप्टर नंबर 13, एंड किस क्लास का था, 8th क्लास। आपको जीके की बुक में पेन से इस पेज पर आज की जो भी डेट है आज की डालकर उसे अपना काम, बुक में अपना काम पूरा करना है। थैंक यू, गुड डे।